Hello friends, welcome to Impact Sports, the world of import and export, a part of Global Federation of Entrepreneurs. Friends, again, thank you so much for the valuable response. और जो कि पिछले वीडियोस में मैंने आपको सजेस्ट करा था कि आप GFP एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, तो बहुत से लोगों ने वो GFP एप्लीकेशन डाउनलोड करी है मेरे वीडियोस देखने के बाद, प्लस उन्होंने वहाँ पे चैट ऑप्शन के अंदर जाके भी बहुत सारी क्वेरीज पूछी है। तो आपको अगर वहां से इंफॉर्मेशन और डिटेल में चाहिए तो प्लीज आप कमेंट करके बता सकते हैं। वी आर गोइंग विद अ फर्दर अडू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज पूछा है, और मे बी पॉसिबल कि आज का जो थोड़ा ये वीडियो है वो थोड़ा लेंथी हो सकता है, क्योंकि आज हम पूरा डिटेल में एनालिसिस करने जाएंगे और डिटेल में ये आपको पूरा वीडियो चल सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे साथ अभी जो पूछा गया है क्वेश्चन मंजू जैन जी ने और योगेश सुर्वे जी ने, मंजू जैन जी का क्वेश्चन है कैटल फीड एक्सपोर्ट के बारे में बताइए, और योगेश सुर्वे जी का जो क्वेश्चन है या क्वेरी बोल सकते हैं, सर प्रैक्टिकल वीडियो बनाओ, वीडियो ए टू जेड प्राइस क्या देना है बायर, कैसे ढूंढना है, प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा, पेमेंट टर्म्स क्या होगा, इनको टर्म्स क्या होगा, फ्रेट चार्जेस क्या होंगे, सब कुछ प्रैक्टिकली। तो ये आज पूरा जो डिटेल में जो वीडियो हम आज कवर करने जाएंगे, तो फ्रेंड्स विदाउट अ फर्दर अडू मैं आपको पूरे स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूँ, जिससे आपको पूरा डिटेल एनालिसिस आपके स्क्रीन के ऊपर शेयर होगा। तो ये आपके सामने पूरा डिटेल एनालिसिस है फ्रेंड्स। कोई भी प्रोडक्ट के लिए HS कोड इज मैंडेटरी, क्योंकि फ्रेंड्स आप अपने लोकल लैंग्वेज में या फिर एक लैंग्वेज बैरियर को तोड़ने के लिए ये HS कोड डिफाइन करे गए हैं। यस, क्यों? क्योंकि ये न्यूमेरिक कोड होते हैं और न्यूमेरिक सभी जगह पे अक्रॉस द वर्ल्ड सेम होते हैं। आप इंडिया में है तो मैं अगर हिंदी में अगर मैं बोलूंगा चेयर है, बट तमिल में क्या बोलूंगा मुझे नहीं पता है, मराठी में क्या बोलूंगा नहीं पता है, कन्नड़ में क्या बोलूंगा आई डोंट नो, बंगाली में। तो आउट ऑफ इंडिया अगर आप जाते हैं, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, या कोई भी इटली हो गया, पोर्चुगल हो, वहां पे आप किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे, वहां पे आपको HS कोड काम आता है। तो कभी भी आप बायर को ये HS कोड लिख के भेजते हैं तो बायर को समझ में आता है कि आप कौन से प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो यस, HS कोड हर एक प्रोडक्ट का अवेलेबल है, वो HS कोड आपको प्रोडक्ट का निकालना पड़ता है, तभी जाके वो एक स्टेप आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट चीज, आप कोई भी प्रोडक्ट डिसाइड करो उसके लिए आपका ये HS कोड होना जरूरी है। सेकंड, वो प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, जैसे मैंने यहाँ पे मंजू जी ने सवाल पूछा था कैटल फीड के बारे में, तो यहाँ पे कैटल फीड का HS कोड है 2309-9010। इसका जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आता है कंपाउंडेड एनिमल फीड, ये एनिमल फीड मतलब जो चारा खाते हैं या फिर कुछ भी अगर हम बोल सकते हैं फीडिंग के लिए, फीडिंग मतलब खाना, तो एनिमल मतलब जानवरों को खाना, कंपाउंडेड मतलब कि उसके अंदर आप कुछ भी मिक्स करके उस तरह से खिला सकते हैं, कुछ भी बोले तो वैसा नहीं, बट जो वेस्टेज हो सकता है या जो आप भूसा आप बोल सकते हैं या कुछ भी जो आप एनिमल को खिला सकते हैं, ये होता है कंपाउंडेड एनिमल फीड। इसके सामने मैंने इसका वैल्यू लिखा है, ये जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है वैल्यूज इन लैक्स, जो के है 17116 लैक्स, जिसका वैल्यू बनता है करोड़ में 171.16 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ है सिर्फ 2018-19 में, एक साल में फ्रेंड्स। और आज की तारीख में हमारा जो डिटेल्स है फेब्रुवरी तक, हमने जो पिछले साल काम करा था या पिछले साल जो एक्सपोर्ट करा था उसको तो हम ऑलरेडी क्रॉस कर गए हैं, उसके ऊपर अभी तक फेब्रुवरी तक 192.69% का एक्सपोर्ट करा है। उसी के सामने टॉप 10 इंपोर्टिंग कंट्रीज है फ्रेंड्स यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा जो प्रोडक्ट है कंपाउंडेड एनिमल फीड वो कौन लेता है, तो सबसे ज्यादा लेता है बांग्लादेश। कितना एक्सपोर्ट करते हैं हम बांग्लादेश को, 63.05 करोड़ का एक्सपोर्ट करते हैं। नेपाल 23.36, श्रीलंका 13.39 करोड़, ताइवान 7.41, वियतनाम 6.90, इजिप्ट 6.62, मलेशिया, थाईलैंड, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। और फ्रेंड्स अच्छी बात यह है कि बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका ये हमारे नजदीक की ही कंट्री है जो हमारा सबसे ज्यादा ट्रेडिंग पार्टनर है,
तो आपको कहीं और विदेश में जाने की जरूरत नहीं। यहाँ पे तो बांग्लादेश में भी लोगों को हिंदी आती है, नेपाल में भी लोगों को हिंदी आती है, और कहीं ना कहीं श्रीलंका के में भी लोगों को हिंदी तो आती है। तो इनसे आप डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं हिंदी में भी बात करके। जरूरी नहीं है कि जिन लोगों को डिफिकल्टी आती है कि आप इंग्लिश में कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं या इंग्लिश में आपको डिफिकल्टी आती है। तो सबसे पहले इंग्लिश इज नॉट अ परफेक्ट लैंग्वेज का आप डील कर सकते हैं बाहर को। जैसे आपको डर होता है कि आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप बाहर के साथ क्या बात करेंगे फ्रेंड्स, वैसे ही अगर आप इटली के अंदर जा रहे हैं तो इटालियन लैंग्वेज है तो उनको भी वही है कि भाई मैं इटली की जो लोकल लैंग्वेज है वो बोल पाऊंगा। बट अगर किसी ने इंग्लिश में बात कर ली तो वो जैसे आपको डर है वैसे ही उनको डर है। पोर्चुगल वाले को भी इतनी इंग्लिश नहीं आती है तो वो भी घबराते हैं कहीं ना कहीं कि भाई किसी का कॉल आया तो हम कैसे हैंडल करेंगे। बट हाँ, जो भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट डिवीजन में रहता है उसको थोड़ी बहुत तो इंग्लिश आती ही होगी, क्योंकि उसे डील करना है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में, जो कि वर्ल्ड के ऊपर कहीं ना कहीं पे इंग्लिश लैंग्वेज का आता है। तो उसको थोड़ी बहुत, वो टूटी फूटी बोलेगा तो आपको भी टूटी फूटी बोलनी, हाय आई एम बायर, आई एम एक्सपोर्टर ऑफ सो एंड सो, इतना तो आप बोल ही सकते हो। और ज्यादातर हमारे गूगल पे भी आप यूज कर सकते हो गूगल ट्रांसलेशन, तो उसमें से भी आप थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन यूज कर सकते हो। तो जब भी आप बाहर के साथ कम्युनिकेट करें तो आप गूगल ट्रांसलेशन का यूज करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। मेन बात जो कितने में ढूंढना है सर का क्वेश्चन, प्रॉफिट मार्जिन कैसे ऐड होगा। तो सर यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि रेट पर केजी, तो जो कंपाउंडेड एनिमल फीड है उसमें बांग्लादेश को हम लोग इंडिया से 155 रुपीस पर केजी में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब आपका दूसरा क्वेश्चन आएगा कि सर 155 रेट तो आपने मुझे दे दिया, बट इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है राइट? और ये अगर ये इंक्लूडेड है तो कहां तक का है, तो मैं आपको इसका भी और थोड़ा बाइफरकेशन दे देता हूं। मैं 155 जो रेट मैंने जो एनालिसिस करा है ये अप्रॉक्स रेट है और ये एवरेज रेट है, ये कोई फिक्स रेट नहीं है, ठीक है। बट मिलता जुलता रेट आपको इसी से मिल जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि 155 मैंने यहाँ पे लिखा है तो 255 चले जाएगा डायरेक्टली, या फिर मान लो कि 300 के पार चले जाएगा डायरेक्टली, ऐसा नहीं होगा। तो इसके आसपास ही रहेगा। दिस इज एन एवरेज रेट जो मैंने आपको यहाँ पे निकाला है, और उसी तरह से मैंने हर एक कंट्रीज के रेट्स निकाले हैं जो कि लेटेस्ट जो 2019 और 2020 के जो अभी हम लोग ने एक्सपोर्ट करा है, ये सब कंट्रीज को कितने रुपए में एक्सपोर्ट करा है उसके रेट यहाँ पे मैंने निकाले हैं। लाइक बांग्लादेश तो 155 रुपीज का पर केजी का एक्सपोर्ट, इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, इसमें जो भी पैकेजिंग आता है वो इंक्लूडेड है, इसमें जो वेयर हाउस जहां पे आपने लिया है, वेयर हाउस जहां से आप ले रहे हैं मटेरियल, वहां से लेकर आपके पोर्ट तक का जो चार्जेस होता है, लॉजिस्टिक होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो इंक्लूडेड है यहाँ पे। CHA के चार्जेस इंक्लूडेड है, ठीक है, टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस इंक्लूडेड है, कंटेनर में जो भेज रहे हैं वो चार्जेस इंक्लूडेड है, अप टिल हमारे पोर्ट तक मतलब इंडिया की बॉर्डर तक। इंडिया का जो पोर्ट है, देर आर ओनली टू पोर्ट, या तो एयरपोर्ट है और सी पोर्ट है, और ये बाय लैंड जा रहा है। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये बांग्लादेश जो है सबसे ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है इंडिया से, तो बांग्लादेश की जो बॉर्डर है, ये देखिए मैंने आपको पोर्ट एनालिसिस भी यहाँ पे लिखा हुआ है, जो बांग्लादेश है वो कंपाउंडेड एनिमल फीड सबसे ज्यादा, अगर बोलिए पेट्रापोल यहाँ पे लिखा हुआ है, लाइक सी सबसे ज्यादा नावाशेवा से एक्सपोर्ट हो रहा है, और सेकेंड पेट्रापोल लैंड। पेट्रापोल क्या है, इंडिया का बॉर्डर है बाय रोड, और बेनापोल बॉर्डर जो है वो चेक पॉइंट है बांग्लादेश का, मतलब बाय रोड से भी जा रहा है माल। तो लॉजिस्टिक का आपका जो खर्चा है डायरेक्टली, जो ट्रांसपोर्टेशन जो जा रहा है, वो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट भी इसमें इंक्लूडेड है। तो 155 रुपीज ऑल इंक्लूसिव अप टिल इंडियन बॉर्डर का रेट, ये जो आपको रेट पर केजी जो देख रहे हैं वो दिया हुआ है। बांग्लादेश 155, नेपाल 83 रुपीज, श्रीलंका 379 रुपीज, ताइवान 199 रुपीज, वियतनाम 401 रुपीज, इजिप्ट 201, मलेशिया 76, थाईलैंड 177, ब्राजील 136 एंड ऑस्ट्रेलिया 337। ये पर केजी के रेट है अप टिल इंडियन बॉर्डर। तो अब मैंने यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया 337 लिखा है, तो ऑस्ट्रेलिया को भी हमने एक्सपोर्ट करा है,
अब कुछ जो मैंने आपको बांग्लादेश के लिए बताया वही मैंने आपको यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के लिए बताया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी हमने इंडियन बॉर्डर ही लिया हुआ है, बट यहाँ पे कंसाइनमेंट कहीं ना कहीं ट्रांजिशन टाइम, वेसल का टाइम, फास्ट वेसल, स्लो वेसल, तो वो आपको सीएचए इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। अब दूसरे लोग जो न्यू हैं वो क्वेश्चन करेंगे सीएचए क्या होता है, तो ये कस्टम हाउस एजेंट होते हैं फ्रेंड्स, जो आपका कस्टम क्लियर करवाते हैं। जो भी आप चीज एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो चीज का वो कस्टम से क्लियर करवाते हैं, और कस्टम के एरिया के अंदर जो भी कंटेनर आ रहा है या जा रहा है या मूवमेंट हो रहा है वो उनका ध्यान रखते हैं। ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑथराइज रहते हैं, क्योंकि इसके लिए एक एग्जामिनेशन होती है जो पास करनी होती है, तभी जाके आप वो सीएचए बन सकते हैं। अब उसी के सामने मैंने फ्रेंड्स यहाँ पे पोर्ट मेंशन करे हैं, तो सबसे ज्यादा जो कंपाउंडेड एनिमल फीड जो है वो नावा शेवा एक्सपोर्ट करता है पोर्ट से, प्लस पेट्रापोल लैंड से एक्सपोर्ट हो रहा है, चेन्नई पोर्ट, आईसीडी बैंगलोर, आईसीडी पकवारा। पकवारा किसी को पता नहीं होगा इसलिए मैंने मुरादाबाद लिख दिया है ब्रैकेट में, कि मुरादाबाद के अंदर या मुरादाबाद के आसपास आप बोल सकते हो, समझना हो तो पकवारा एक आईसीडी है जहां से ये चीज एक्सपोर्ट हो रही है। अब हम बात करते हैं इनको टर्म की। इनको टर्म एफओबी और सीआईएफ में प्रिफर करता हूं। एफओबी मतलब कि मेरा रिस्क कॉस्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अप टिल इंडियन बॉर्डर तक का रहेगा फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मेरी कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, राइट? तो मैं वहां तक का रिस्क कॉस्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूं बेझिझक। ठीक है, बट बायर आपको कभी कभी इंसिस्ट करता है कि यार काम करो आप मेरे पोर्ट तक पहुंचा दो। तो इसमें दो चीज और इंक्लूड हो जाती है, आपका सी फ्रेट और इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, ये दो चीजें और ऐड हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं सीआईएफ, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। तो अपटिल जो भी आपका इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन जो भी इसमें इंक्लूडेड रहेगा, इसमें दो चीज और इंक्लूड होगी सीआईएफ में, जो पानी के द्वारा सी फ्रेट, इसे हम कहते हैं ओशन फ्रेट। ठीक है, ओशन फ्रेट इंक्लूड हो जाएगा और उसी के साथ में आपका इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस ऐड हो जाएगा। तो उस हिसाब से आपको रेट देना है वहां पे। क्यों? क्योंकि आप पे कर रहे हो ऑन बिहाफ ऑफ बायर, आपको समझना रहेगा कि अगर आपने गलत रेट दे दिया एज पर इनको टर्म तो आप लॉस में भी जा सकते हैं। तो आपको सबसे पहले समझना रहेगा कि आपको एक्चुअल कॉस्टिंग कितने में आती है। अब मान लीजिए कि मेरे को 10 पेंसिल चाहिए, तो 10 पेंसिल की एक्चुअल कॉस्टिंग कितनी है, मान लीजिए 10 रुपए है, तो 10 रुपए के हिसाब से मेरे को वो कहाँ पे, तो कहाँ तक का 10 रुपए है, फैक्ट्री तक का, वो पैकिंग करके मेरे को 10 रुपए में 10 पेंसिल रेडी करके दे देगा। मतलब 1 पेंसिल का हुआ 1 रुपया। अब वहां से मुझे लॉजिस्टिक हुआ, सीएचए का चार्जेस हुआ, कंटेनर हुआ, फिर समझ लीजिए टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस हुआ, मूवमेंट हुआ, लोडिंग अनलोडिंग हुआ, लेबर का खर्चा हुआ, ये सब कुछ मिला के मुझे 10 रुपये और चार्ज हो गया। कहाँ तक का? अप टिल इंडियन पोर्ट तक का। ठीक है, तो मेरे को अब 1 पेंसिल पड़ी 2 रुपये में, राइट? कहाँ तक? अपने इंडियन बॉर्डर तक। तो आप उसको क्या बोलेंगे? एफओबी 2 रुपीज। बट इसमें अभी तक आपने प्रॉफिट मार्जिन ऐड नहीं करा है। अब बात आती है जो योगेश सुर्वे जी ने पूछा था, प्रॉफिट मार्जिन कैसे ऐड करें। तो आपको समझना रहेगा कि जो आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो प्रोडक्ट, आप बोल रहे हो कि 2 रुपए में वहां तक गया तो मैं 2.5 रुपए उसको बोल देता हूँ, 2.5 रुपए की 1 पेंसिल बेच सकता हूँ मैं वहां पे। बट अगर वो पेंसिल आप जो 2.5 रुपए में बेच रहे हो और वही सेम पेंसिल वो सामने वाला जो इंपोर्टिंग कंट्री का जो बंदा है वो आपको 1 रुपए और 80 पैसे में वो ले रहा है, तो वो आपसे क्यों लेगा फ्रेंड्स? तो आपको इसके ऊपर एक डिटेल एनालिसिस करना रहेगा कि आपका जो कंट्री है, इंपोर्टिंग कंट्री जो यहाँ पे लिखा हुआ है, आपके कोई भी प्रोडक्ट का इंपोर्टिंग कंट्रीज है, वो आपका प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहा है तो कितने रुपए में कर रहा है, वो भी आपको डिटेल एनालिसिस करना रहेगा, तभी जाके आप इसके ऊपर वर्कआउट कर पाएंगे। ठीक है, और क्वालिटी के ऊपर थोड़ा अच्छा ध्यान देना रहेगा आपको। ठीक है, क्योंकि क्वालिटी और सर्विस मैटर करता है एक्सपोर्ट की फील्ड के अंदर। यस, अब वापस बैक टू हम लोग सिचुएशन आते हैं क्वेरी के ऊपर। जो भी आप प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो उसके ऊपर अभी 3% एमईआईएस बेनिफिट होता है। ये एमईआईएस क्या होता है? मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट इंफ्लुएंस स्कीम होता है। ये स्कीम क्या होता है?
गवर्नमेंट आपको 3% एक्स्ट्रा दे रही है एज ए इंसेंटिव के तौर पे, ठीक है, जो भी आप वैल्यू का एक्सपोर्ट कर रहे हैं ये आपको गवर्नमेंट 3% वो वैल्यू का MEIS का बेनिफिट देती है, इसको आपको क्लेम करना होता है, ठीक है, इसको आपको क्लेम करना होता है, और ये जो है आपके अकाउंट में नहीं आएगा ये आपको डायरेक्टली अकाउंट में नहीं आता है, ना ही आपको ये चेक के द्वारा आता है, ना ही DD आता है, ये एक सर्टिफिकेट या एक नंबर जनरेट होता है जिसे हम कहते हैं स्क्रिप्ट, ठीक है, ये स्क्रिप्ट होती है जो ये ट्रांसफरेबल रहती है, तो आप ये किसी को भी ट्रांसफर करके वो जो पैसे है आप उनसे ले सकते हैं, जिसके लिए मार्केट में जो है वो एजेंट्स रहते हैं, वो भी ये सुविधा करके देते हैं। यस, वी आर दी वन ऑफ देम, हम भी ये MEIS का जो क्लेम है वो भी हम लोग निकाल के देते हैं, बिकॉज ImpExperts इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर A to Z सॉल्यूशन ऑफ योर एक्सपोर्ट इंपोर्ट नीड, चाहे फिर वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से कोई भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो, हम आपको उसके अंदर A से लेकर Z तक सुविधा प्रोवाइड करते हैं। अब बात करते हैं बायर फाइंडिंग की, तो बायर फाइंडिंग के लिए आप ये जो वेज है, ईमेल टू एम्बेसी, एसोसिएशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ट्रेड फेयर, एग्जीबिशन विजिट, या ये सब कुछ आपको करना रहेगा, यहाँ से आप बायर आइडेंटिफाई कर पाएंगे। फ्रेंड्स, इंडियन एम्बेसी को आपको ईमेल करना है, वहां पे जो भी आपका प्रोडक्ट है, आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड जो भी एसोसिएशंस है उसको आपको कॉन्टेक्ट करना है, प्लस चैम्बर ऑफ कॉमर्स को आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, वहां से आपको हेल्प आउट मिल सकती है। ट्रेड फेयर्स, एग्जीबिशन, जो इंटरनेशनल एग्जीबिशन होते हैं वहां पे एक्चुअल बायर सेलर मीट होता है, जो आप विजिट कर सकते हैं, जहां पे आप अपना विजिटिंग कार्ड लेके जाइए, ब्रोशर लेके जाइए, तो वो भी आप डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज बोलूंगा कि जो भी आपका प्रोडक्ट है उसके लिए आपको एक RCMC लेना रहता है, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट बोलते हैं जिसे, तो रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट जहां से भी लेंगे, कोई भी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से लेंगे, अगर आप उसका मेंबरशिप लेते हैं तो वहां पे आपको जेन्युइन बायर्स मिलते हैं फ्रेंड्स, तो वहां से भी आप ये इंफॉर्मेशन ग्रैब कर सकते हैं। साथ ही में पेमेंट टर्म्स हम प्रिफर करते हैं कि एडवांस रहे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपका पेमेंट अगर आ गया है, बायर ने दिया है, तो वो श्योरिटी है कि आप उसके ऊपर वर्कआउट कर सकते हैं, या तो आप सिर्फ दूसरा जो ऑप्शन है वो LC पे जा सकते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट बोलते हैं जिसके अंदर हम लोग। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्रेट चार्जेस क्या रहेंगे, योगेश सुर्वे जी, मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, फ्रेट चार्जेस एक्चुअली जो डिपेंड करता है आपके वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, कि आप कितना वॉल्यूम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, फर्स्ट चीज, कौन सी कंट्री को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, सेकंड चीज, थर्ड, आपकी कॉमोडिटी पे भी डिपेंड करता है कि आपकी कॉमोडिटी क्या है, आपका प्रोडक्ट क्या है, उस पर भी जाता है, क्यों, कहीं कहीं पे कंटेनर्स के भी उसमें रिफर कंटेनर है, ओपन कंटेनर है, ओपन टॉप कंटेनर है, फ्लैट रैक है, बहुत सारे कंटेनर्स है, तो उस हिसाब से आपको वो जो चार्जेस है वो मतलब वेरी करते हैं, प्लस ट्रांजिशन टाइम कितना है, कितने दिन में वहां पे वेसल पहुंचेगा, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, तो उस हिसाब से भी ओशन फ्रेट जो है वो अलग रहता है, इंश्योरेंस जो है वो अलग रहता है, प्रोडक्ट आपका हैजार्डस है, नॉन हैजार्डस है, पेरिशेबल है, कौन सा आपका प्रोडक्ट है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है फ्रेट रेट, तो फ्रेट चार्जेस जो है वो टोटली नेगोशिएबल बेसिस पे रहते हैं और डिपेंड करते हैं ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को लेके। फ्रेंड्स, आज सिर्फ इतना ही, अगर आपको और भी कोई डिटेल एनालिसिस चाहिए इसी तरीके की, तो आप प्लीज आप कमेंट कर सकते हैं, और प्लीज GFE एप्लीकेशन डाउनलोड करना ना भूलें, उसके ऊपर चैट के ऊपर आप जाके इंफॉर्मेशन ग्रैब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।